इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्ते लागू। आज नगर निगम द्वारा अंदर रसोई का उद्घाटन किया गया है, तो अब तक अजमेर शहर में टोटल 17 खुल चुकी है इंदिरा रसोई, और आज जो है हम 3 और इंदिरा रसोई खोलने जा रहे हैं। तो एक तो ये नागपड़ी तिराया है, दूसरा ये अपना रामप्रसाद घाट है, और तीसरे स्टेशन के सामने। तो आज ये 3 खुल रही है, और 2 दिन बाद जो है अपने ये कहना चाहिए विजयलक्ष्मी पार्क इसके सामने, और एक चंद्रवरदाई हॉस्पिटल है वहाँ पर, 2 वहाँ खुलेंगी। तो इस तरह मिला के अपनी 22 हो गई है इंदिरा रसोई। देखिए, आज हमारे नागफणी तिराए पे एक अच्छा दिवस के रूप में भी ये दिन मनाया जाना चाहिए, क्योंकि आज नगर निगम परिवार द्वारा और मुख्यमंत्री योजना जो इंदिरा गांधी रसोई योजना है उसके तहत नागफणी तिराए पे आज ये रसोई खुली है। हकीकत में, वास्तव में आप देखें ना तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कच्ची बस्ती क्षेत्र है, छोटी नागफणी, बड़ी नागफणी, फिर ये जो रास्ता है ये आप देखते हैं कि दरगाह की तरफ भी जाता है, तो जो भी बाहर से आए हुए जायरीन उनकी यहाँ पे बैठते हैं करते हैं, तो उनको अगर 8 रुपये में अगर अच्छा पौष्टिक भोजन मिल जाता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जगह जो जिस हिसाब से ये बनी है और आज रसोई बनी है तो 4 चांद लग गए, और आवश्यकता थी। मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो एडवांस में आप ये भी बताना, ये मेरे भाई है जो आज इधर उधर अगर कहीं भी खाएंगे, भोजन जिमेंगे तो 50 रुपये, 40 रुपये, 80 रुपये लगेंगे, लेकिन 8 रुपये में अगर आपको अच्छा भोजन मिल जाता है तो इनके लिए भी अच्छी बात है, मेरे जैसे के लिए भी अच्छी बात है। मैं भी कई बार इधर उधर घूमता घामता मुझे भूख लगेगी तो फटाफट मैं इंदिरा रसोई में आज आके मैं भी खाना खा लूँगा। आए ब्रजलता मैडम आई है, महापौर साहब वो यहाँ पधारे हैं, सीता वर्मा मैडम, उपायुक्त मैडम आई है, पवन जी मीणा जी आए हैं, और निगम परिवार के और भी अन्य अधिकारी आए हैं, और अच्छी बात है इंदिरा रसोई योजना आगे भी अच्छा भोजन मिले, साफ सफाई रहे, बर्तन धुलते रहे अच्छी तरह से, या मैनेजमेंट रहे, ये हम आशा करते हैं। और सभी वृद्ध जन, सीनियर सिटीजन नागफणी के यहाँ पे मौके पे आए हैं, मैं इनका बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। कुंदन वैष्णव।